ये मान लो कैपेसिटर प्लेट है, इसका एरिया ए है और डिस्टेंस कितना है डी। इसको अपन ने क्या करा, डायलेक्ट्रिक से भर दिया और आधा आधा भरा है ना, ये के वन डायलेक्ट्रिक भर दिया और यहाँ पे के टू भर दिया, दो डायलेक्ट्रिक से भर दिया। ये आधा एरिया ये कर रहा है, आधा एरिया ये कवर कर रहा है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा निकालो। अब ये अपन ने देखा था अगर पूरा भर देते तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है, और जब कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं तब तो बैटरी के खोने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी देख लिया हमने है ना। पर इस बार मैंने आधा आधा भरा है, अब क्या होगा कैपेसिटेंस देखो। एक बात तो पक्की भाई, जो भी पोटेंशियल इसका होगा है ना, एक कंडक्टर में पोटेंशियल हर जगह होता है, तो मान लो इसका पोटेंशियल वी प्लस है, इसका पोटेंशियल वी माइनस मान लेते, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा। तो देखो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, वी प्लस वी माइनस है ना, वी प्लस माइनस वी माइनस है ना। तो तुम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बना सकते हो, ये दो कैपेसिटर बन जाएंगे ना पैरेलल में, ये पोटेंशियल वी प्लस है, यहाँ पे पोटेंशियल वी माइनस है, इसमें तुमने के वन भर दिया, इसमें तुमने के टू भर दिया, तो ये सी वन मान लो, ये सी टू मान लो, तो नेट कैपेसिटेंस आएगा तुम्हारा पैरेलल में तो सीधा ऐड होते हैं है ना। सी वन कितना है तुम्हारा बताओ, आप पता है अब तो, ये वाला तो पूरा ही भरा है ना, तो के वन इंटू एप्सिलॉन नॉट ए वाई टू इंटू डी प्लस के टू इंटू एप्सिलॉन नॉट ए वाई, ए वाई टू के लिए क्योंकि इनका एरिया तो ए वाई टू है ना, और कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है हमको पता है। अभी आधा वाला तो पूरा ही भरा हुआ है ना, इससे समझ में आ रहा है। तो हमारा नया कैपेसिटेंस कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए वाई टू डी इंटू के वन प्लस के टू, ये हमारा नया कैपेसिटेंस आ गया। ये कोई भी फॉर्मूले और की तरह याद नहीं रखना, बस ये करना आना चाहिए, जरूरत पड़ने पर कर लें ना। देखो कोई डाउट है तो, नहीं है पक्का, लिखो अगला, लिखो अगला क्वेश्चन लिखो फिर। कैपेसिटर है, एरिया ए, डिस्टेंस डी है, तो ये के वन है, ये के टू है, दोनों आधा आधा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, बताओ कैपेसिटेंस कितना होगा, नया कैपेसिटेंस कितना होगा। तो इसको ये तुम्हारा के वन वाला हो गया, ये तुम्हारा के टू हो गया, बस इनका डिस्टेंस कितना है डी बाई टू, डी बाई टू। तो बीच में ऐसे एक मेटेलिक प्लेट मान लो, तो इस पर अगर प्लस क्यू चार्ज, इस पर माइनस क्यू है, तो इस पर प्लस क्यू आ जाएगा, इस पर माइनस क्यू है, अगर इस पर प्लस क्यू मान लो, इसको माइनस क्यू मान लो, इन दोनों को कंबाइन कर दो, क्योंकि क्यू माइनस क्यू जीरो हो जाएगा ना, है ना। इसको अगर एक ही जगह पे ले आओगे तो क्यू माइनस क्यू जीरो हो जाएगा ना, सर्किट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी ना हमने, एरिया ये है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सी वन मान लो, इसका सी टू मान लो, सी वन कितना आ रहा है तुम्हारा, एप्सिलॉन नॉट ए वाई डी वाई टू और इंटू के वन, सी टू कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी वाई टू इंटू के टू, और ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो जो नेट कैपेसिटेंस आएगा वो वन वाई सी वन प्लस वन वाई सी टू होगा, तो वन वाई सी वन देखो क्या आ गया तुम्हारा, डी वाई टू एप्सिलॉन नॉट ए वन वाई के वन प्लस वन वाई के टू, ये तुम्हारा वन वाई सी है। तो सी कितना आ गया, टू एप्सिलॉन नॉट ए के वन के टू वाई, देखो ये होगा, देखो आ गया, कर लोगे क्या, नहीं होगा के में आए हुए, के वन के टू के थ्री के फोर, और ये वही समझ लो एरिया, वो सब बिल्कुल सिमेट्रिक है ना, जैसे ये डी वाई टू है, ये डी वाई टू है, ये एरिया ए वाई टू है, ये एरिया भी ए वाई टू है। तो बताओ कैपेसिटेंस बताओ कितना होगा, ये कैपेसिटर प्लेट है। ये है ना प्लेट दो है ना, ये दो प्लेट है, ये दो प्लेट के बीच में डायलेक्ट्रिक ऐसा रख दिया, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है तुम्हारी, इसके बीच में चार डायलेक्ट्रिक रख दिए, इसको करो सॉल्व, इसको आईआईटी वालों ने खुद गलत सॉल्व कर रखा है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा पहले तो ये बताओ, ये या फिर, तो पहला वाला होगा सर्किट, दूसरा वाला होगा या फिर दोनों होंगे, यही डिसाइड करना, कंसेप्ट ये है, बाकी तो फिर आगे का कर लोगे मुझे पता है, फिर तो पैरेलल तुम कंबाइन करके आंसर निकाल दोगे। तो इन दोनों में से कौन सा सही है सर्किट, पहला वाला दूसरा वाला क्यों सही बताओ, तो तुम मतलब सेकंड वाला सही बोल रहा है, और कोई और कुछ बोलना चाहे, तो लॉजिक और रीजनिंग जैसी तुम लोगों के पास कोई चीज़ है नहीं, अगर एप्टीट्यूड का एग्जाम होता तो सारे फेल होते तुम, और आईटी वालों ने ये आंसर मान के दिया था, गलत आंसर दे रखा था। तो देखो क्यों है ना, ये सही है और ये गलत क्यों है ना, तो सबसे पहले तो देखो ये तब बनेगा जब तुम इन ये बनाने का मतलब क्या है, ऐसा सर्किट बनाना मतलब तुम इन दोनों को पैरेलल मान रहे हो, इन दोनों को पैरेलल मान रहे हो,
पर पैरेलल मानने के लिए अगर इन दोनों को पैरेलल मानना है तो पोटेंशियल सेम होना चाहिए। मान लो यहाँ पे पोटेंशियल वी प्लस मान लेते हैं, यहाँ पे वी माइनस मान लेते हैं, तो यहाँ पर तो समझ में आता भाई कंडक्टर है, पर इधर पे हो सकता है इस जगह पे पोटेंशियल वी वन हो जाए, इस जगह पे पोटेंशियल कुछ वी टू रहे, होगा भी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ई वन होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भाई समझ लो ना यहाँ पे ई है, यहाँ पे कुछ ई डैश होगी। तो पोटेंशियल क्या होता है, वी वन इज इक्वल टू ई इन टू डी बाई टू, यहाँ पे आएगा वी टू इज इक्वल टू ई डैश डी बाई टू। तो इन दोनों पे पोटेंशियल सेम नहीं है ये समझो। अरे भाई पोटेंशियल क्या होता है तुम्हारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस दोनों केस में डी बाई टू है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन ई है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी तो अलग अलग होगा। अरे ये बात समझ में भाई तीनों में, हाँ चारों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग वैल्यू निकल के आएगी, समझ में आ रहा है क्या? तो ये पैरेलल नहीं है क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं है, क्लियर है क्या? तो ये गलत सर्किट है, ठीक है। पर इस सर्किट में हम क्या मान रहे हैं, ये दोनों सीरीज में, हाँ ये तो मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इनको सीरीज में तो मान सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक क्योंकि मैंने इधर पे एक प्लेट लगाई और इधर पे एक प्लेट लगाई और इन दोनों प्लेट को आपस में कनेक्ट नहीं करा, ऐसा थोड़ी ना कनेक्ट कर दिया मैंने, मैं तो अलग अलग पोटेंशियल मान कर रहा हूँ, यहाँ पे वी वन पोटेंशियल है, यहाँ पे वी टू पोटेंशियल है। तो बस निकाल दो ये सी वन सी टू सी थ्री सी फोर निकाल लोगे, जैसे एक कर देता हूँ, सी वन कितना आएगा तुम्हारा बताओ, एप्सिलॉन नॉट ए वाई टू डी वाई टू इंटू के वन, तो ये आ गया तुम्हारा के वन एप्सिलॉन नॉट ए वाई डी, यही आया देखो। ऐसे तुम्हारे सी टू सी थ्री इन दोनों को सीरीज में, इन दोनों को सीरीज में, फिर पूरी कॉम्बिनेशन पैरेलल कर दो कि आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से, सभी कर लेंगे तो निकाल लोगे, ठीक है भाई। आंसर इम्पोर्टेंट नहीं है, समझ क्यों नहीं रहे, आंसर इम्पोर्टेंट नहीं है, बड़े आगे बोलो, क्लियर है क्या? यहाँ पे एक डायलेक्ट्रिक स्लैब रख दी जिसकी थिकनेस है टी, एरिया है ए, बताओ कैपेसिटेंस कितना होगा, इस बार पूरा नहीं भरा ना, थोड़ा सा टी थिकनेस का रखा है बस हमने। तो देखो इस डिस्टेंस को कुछ एक्स मान लो, नहीं पता ना, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी माइनस एक्स माइनस टी है ना, तीन कैपेसिटर है ना, तो ठीक है ऐसे बना लो सी वन सी टू सी थ्री है ना, सी वन सी टू सी थ्री, तो सी वन कितना आ रहा है बताओ अपना, कुछ भी बराबर होंगे, वे मतलब में बराबर हो जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट ए वाई एक्स, क्योंकि इसकी विड्थ एक्स है डिस्टेंस, सी थ्री हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, अरे क्या होता है एप्सिलॉन नॉट ए वाई डी होता है ना, एप्सिलॉन नॉट ए वाई एक्स, एप्सिलॉन नॉट ए वाई डी माइनस टी माइनस एक्स, और सी टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए वाई टी, और क्योंकि इसमें वो भी है, इसका के मान लो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है, तो के से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो इसमें कोई डाउट है क्या पहले, नहीं है तो कर दो। अब सीरीज है तो वन बाई सी इक्वल टू वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू प्लस वन बाई सी थ्री, कितना आ जाएगा देखो, एप्सिलॉन नॉट ए भाई ये तो कॉमन आ गया हर जगह ना, तो आ गया तुम्हारा एक्स वाई, अच्छा पहले वन बाई एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन निकाल लो ना, वन बाई एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन निकल गया अपना, अंदर क्या बचा बताओ, एक्स प्लस डी माइनस टी माइनस एक्स प्लस टी वाई के, देखो ये आ रहा है, अभी तो कैलकुलेशन तो खर तो तुम कर ही लोगे, तो तुम्हारा कितना आ गया, वन बाई सी इक्वल टू वन बाई एप्सिलॉन नॉट ए, अंतर क्या बच रहा है, के डी माइनस के टी प्लस टी, तो सी इक्वल टू आ गया तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट ए वाई बाई के इंटू डी प्लस टी इंटू के माइनस वन, ये आ रहा है देखो तुम्हारा। भाई ये प्रूफ करना है ना कि इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस आ रहा है, ये प्रूफ भी तो करना था, ये तो मैंने तेरे को रिजल्ट बता दिया, अब ये प्रूफ हो गया, क्यों प्रूफ हो गया, क्योंकि फाइनल आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इसमें एक्स है क्या कहीं पे, अरे इसको प्रूफ भी तो करना था अपन को, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है ना, मतलब देखो अगर अनइक्वल आने पे सेम आंसर आ रहा है तो इक्वल आने पे भी आएगी सेम आंसर, ये तो ऑब्वियस है, पर वो तुम्हारा जनरल प्रूफ नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ रहा है इसका मतलब क्या है, मतलब इसकी पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसको मैं यहाँ पे रखूँ यहाँ पे रखूँ यहाँ पे रखूँ कहीं भी रखूँ उस पर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो लिख लेना कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द डायलेक्ट्रिक स्लैब। अरे टी कॉमन लिया वन माइनस क्या आएगा, देखो देख भी नहीं रहे अरे साले, वन माइनस क्या आएगा ना, ठीक है ये क्लियर है, कहाँ गया यार, अच्छा क्या यहाँ पे आ जाएगा सही हुआ, अरे ऐसा होता है क्या, तो करो भाई सी कितना आ गया अपना, एप्सिलॉन नॉट ए वाई डी प्लस टी इंटू वन वाई के माइनस वन, यही आ रहा है।